तो आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और ज़बरदस्त सा टॉपिक लेकर, जो काफ़ी कॉमन है कई लोगों के बीच में। कई लोग मुझसे क्या पूछते हैं, जो ठाकुर सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं हमें बहुत काम होते हैं। ज़्यादातर गृहस्थी लोग हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो ज़्यादातर गृहस्थी के लोग हैं। तो गृहस्थी में बहुत काम होता है, बच्चों का काम होता है, घर का काम होता है, घर के सदस्यों का काम होता है। तो गृहस्थ जो जीवन है, गृहस्थ जीवन नाम ही इसी का है, गृहस्थी की जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो नियम है, वो हमको पहले जो है निभाने होते हैं। उसके साथ साथ हमें प्रभु का भी जो है ध्यान रखना होता है, इसी का नाम गृहस्थ जीवन रखा गया है। तो उसके साथ साथ हमें बहुत काम हो जाते हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनका टिफ़िन प्रिपेयर करना, घर की सफाई, मेड आ गई उसके साथ काम करवाना है, कहीं बहुत सारे जो हैं सुबह के उठते ही जो है काम शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो है ठाकुर सेवा कहीं ना कहीं हमारी जो है छूटती चली जाती है, पीछे हो जाती है, या फिर किसी दिन रह जाती है, किसी दिन हमें बहुत देर हो जाती है, 12 बज गए हैं, अब हम क्या करें, अब क्या ठाकुर जी की सेवा करें, तो वो उनकी छूटते छूटते छूट ही जाती है। इसमें कि कई लोग ये सोचते हैं कि ऐसा नियम है कि नहा धो के बिना कुछ खाए पिए, बिना नाश्ता किए पहले ठाकुर की सेवा करनी है फिर कुछ खाना है। ऐसा अच्छी बात है अगर आप करते हैं तो, एक नियम है, सभी भक्त अलग अलग नियम जो है बनाते हैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो उनके प्रसन्न करने के चक्कर में, नियमों के चक्कर में आपकी जो मेन जो कार्य था, मेन जो चीज़ थी, उनकी सेवा ही ना आपसे कहीं छूट जाए। आपको इस बात का जो है ध्यान रखना है, आपकी सेवा ही इन कारणों से जो है छूटती जा रही है। इधर आपने जो सारा काम निपटाया, फिर आपको भूख भी लगी है बहुत तेज, अब आप उन सबको भेजा, बहुत देर भी हो गई है, फिर आप जल्दी जल्दी उल्टा सीधा नहा कर आए, फिर जैसे तैसे ठाकुर जी की सेवा करी, और ध्यान ये जा रहा है कि यार कुछ खा लूँ कुछ खा लूँ। अगर आप ऐसी सेवा कर रहे हैं जल्दी जल्दी इस तरीके की, बिना तसल्ली की, बिना प्रेम भाव की, तो फिर मैं ये कहूँगी आपसे कि ऐसा नियम ना ही बना है तो ही अच्छा है, इस नियम को रहने दें। आपका जो मेन जो हमारा लक्ष्य है वो है ठाकुर जी से प्रेम करना, उनकी प्रेम भाव से सेवा करना। कोई ये हमारी कोई ज़बरदस्ती का कोई कार्य नहीं है। एक प्रेग्नेंट लेडी थी, एक सब्सक्राइबर थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि जैसे मैं उठती हूँ मुझे बहुत काम होते हैं, मुझे एक्सरसाइज करनी होती है, फिर छोटे बच्चे को संभालना, या फिर और काम होते हैं घर के, फिर मैं ठाकुर की सेवा करती हूँ, तब तक मैं भूखी नहीं रह पाती हूँ, मुझे बहुत समय हो जाता है सब काम करने में, फिर ठाकुर की सेवा तक करने में मुझे बहुत समय हो जाता है, और मैं भूखी नहीं रह पाती हूँ, और उनके लिए ठीक भी नहीं है वैसे भूखा रहना, सही बात है, फिर मैं कुछ खा के ठाकुर की सेवा कर सकती हूँ क्या? तो मैंने उनका जवाब दिया उत्तर में, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आपको भूख लग रही है ज़्यादा, आपसे बर्दाश्त नहीं है, आपसे ये नियम नहीं हो पा रहा, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, यही नियम निभाना है, तो मैंने उन महिला से उनका उत्तर दिया उनकी कमेंट में कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, कुछ खा पी के आप तब सेवा करें ठाकुर जी की, तब देखिएगा कुछ अलग ही और आनंद आएगा, क्योंकि उस समय फिर आपका ध्यान जो है केवल और केवल ठाकुर जी में ही होगा, और जब ध्यान 100% ठाकुर जी में होता है तो आनंद बहुत आता है। लेकिन जब ध्यान पूरा उनमें नहीं होता है, ध्यान इधर उधर होता है, तो फिर हमें वो मात्र एक कार्य ही लगता है कि जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, आनंद का उसमें आपको प्राप्ति नहीं मिलेगी। तो वो तो एक प्रेग्नेंट महिला थी, वो तो खोले तो आप खा भी सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि हाँ क्या हम भी खा सकते हैं, हाँ, तो मेरा इसके लिए उत्तर होगा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम सब प्रभु के बच्चे हैं, हम प्रभु हमें ठाकुर जी इस तरीके से प्रेम करते हैं जैसे एक माँ बाप के मन में अपने बच्चे के प्रति होता है। सोचिए क्या माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके से भूखे रखे हुए देखना पसंद करेंगे? नहीं। तो आप कर सकते हैं ऐसा, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कार्य बिजी हैं, आपको गृहस्थी के, या आपको ऑफिस जाते हैं जल्दी में, या आपका तालमेल नहीं बैठ पा रहा, आपका टाइम टेबल नहीं बैठ पा रहा इस तरीके से, या आपको किसी भी मजबूरी के कारण, किसी बीमारी के कारण, या बीमार हो या गृहस्थी में हो, बहुत सारे काम हैं आपको, तो आप कर सकते हैं। आप पहले जो भी आपके कार्य हैं, आप पहले नाश्ता बनाया, आपने सबका पेट भरा, कि सबसे पहले ये भी ठाकुर जी की ही एक ड्यूटी है, जो आपको गृहस्थी का जो काम मिला हुआ है ये ठाकुर जी का ही आपको दिया हुआ है। ये किसी हम लोग गलती यही करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि माला जपना ही केवल भजन होता है, बैठकर हम ठाकुर के सामने माला जप रहे हैं यही भजन है। नहीं, ये भजन का केवल एक अंग है, एक हिस्सा है, भजन हर कार्य है। अगर आप अपना पूरा जीवन भजन बनाना चाहो तो बना सकते हो, आपके घर के कार्य भी भजन है। अगर आप सोचते हो कि ये अगर कि मेरा परिवार है तो फिर वो भजन नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये सोचते हो ये परिवार ठाकुर जी का है, ठाकुर जी ने मुझे ये जो संसार का जो है कार्य में ये मुझे कार्य दिया है कि इन परिवार को पालना, इस घर को पालना, ये करना है, जो भी आप करते हैं, तो
तो फिर वो भी आपका भजन ही होगा। आप ठाकुर जी का नाम ले लेकर आप सारे कार्य करते हैं तो वो भी आपका भजन ही है, माला बैठ कर माला फेरने जैसा ही वो आपका गिना जाएगा। पहले अगर हस्बैंड अगर लेट हो रहा है, भूखा जा रहा है घर से, उधर आप ठाकुर जी के सामने बैठे उनकी सेवा कर रहे हो, उधर आपका हस्बैंड भूखा चला गया है, उसके सदस्य भूखे बैठे हैं और आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ये सही नहीं है। पहले उनको जो है उनका पेट भरिए, उनका कर्तव्य जो है निभाइए, उनको ऑफिस ऑफिस भेजिए, जो भी कर रहे हैं वो कीजिए, ठाकुर जी को शयन करते रहने दीजिए। फिर जब बाद में जब आपका जो खाली समय है उसमें ठाकुर जी के पास आइए, उनसे वार्ता कीजिए कि क्षमा कीजिए प्रभु, आज मैं आपके पास आने में थोड़ा मुझे विलंब हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। फिर तसल्ली से फिर उनके पास आकर के जैसे कोई अपना होता है ना बहुत क्लोज, उस इस तरीके से उनसे फिर आके बात कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, उनसे उनको मनाइए, फिर उनको तैयार कीजिए, फिर वार्ता, फिर देखिए इन चीज़ों में आपको और ज़्यादा आनंद, इन चीज़ों में आपको आनंद आएगा इस तरीके से जब आप करेंगे। ये नियम कानून से आपको कोई बोझ महसूस होगा, आनंद नहीं मिलेगा। जब आप इस तरीके से करेंगे तब आपको जो आनंद की जो अनुभूति है कि फिर वो आपको महसूस होगी, जब अपना तो है भगवान से ठाकुर जी से अपना तो जो महसूस होगा उससे आपको आनंद मिलेगा। ये इसी तरीके से मिलेगा जब आप पूरा ध्यान केंद्रित करके ठाकुर जी को करेंगे, अपना समझ के, फिर उनके पास बैठिए, तसल्ली से उनसे बातें कीजिए, प्रभु आज मुझे देर हो गई, मुझे माफ़ कीजिएगा, फिर उनको तसल्ली से वस्त्र पहनाइए, जो भी है आपका श्रृंगार कीजिए, जो भी है उनको भोग लगाइए, जो भी आपने बनाया है जो भी। और इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था कि कुछ खाकर भी हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं क्या, या भूखे ही पेट बिना नाश्ता किए ही नहाकर पहले ठाकुर सेवा करनी होती है फिर कुछ खाना होता, कुछ खाने के बाद हम क्या, अगर हमने कुछ खा ले ठाकुर की सेवा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमने कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है इतना भगवान को, भगवान ठाकुर जी तो बहुत सरल हैं, बहुत सरल हैं समझने, हमने उनको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इतना ज़्यादा, बहुत सरल हृदय वाले हैं ठाकुर जी, इतना हमको दिमाग नहीं लगाना उनसे प्रेम करने में, हमको दिमाग नहीं लगाना ये कर लिया तो कैसे होगा। अपना सिर्फ प्रेम कीजिए, प्रेम भाव से जो आपका जो समय खाली समय है वो उनको दीजिए और बाकी जो कर रहे हैं वो उनके समझ कर कीजिए, तो फिर आपका पूरा दिन जो है भजन में ही गिना जाएगा और फिर इस तरीके से पूरी आपकी ज़िंदगी भी पूरी भजन में हो जाएगी। सवाल यही था कि आप कुछ खाकर, हाँ अगर आप नहीं रह पा रहे हैं, बीमार हैं, आप कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं, कुछ कोई और मजबूरी है, या फिर आप नहीं रह पाते हैं भूखे, जैसे भीमसेन थे वे नहीं रह पाते थे भूखे, लेकिन क्या वो ठाकुर जी के भक्त नहीं थे? हाँ बिल्कुल थे, और ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय थे पाँचों पांडव। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप भूखे नहीं रह सकते हैं तो फिर आपको ठाकुर सेवा नहीं करनी चाहिए, या फिर भूखे पेट ही करोगे, वरना करनी है तो करो वरना मत करो, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आपको सुलभ लगे और आपका इंटरेस्ट बन पाए ठाकुर जी में उस तरीके से कीजिए। कई बार मैं भी ऐसा करती हूँ, मैं आपको इतना नहीं कहूँ, मैं ये नहीं कहूँगी अपने बारे में कि मैं पूरी नियम की पक्की हूँ, सुबह उठ के नहा धो करके फिर मैं वो करती हूँ, फिर मैं भूखे रह करके पहले ठाकुर सेवा करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मेरे जिस दिन जैसा ठाकुर जी करवाते हैं उस दिन वैसे हो जाता है। मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि कुछ ना खाऊँ पहले नहा के ठाकुर जी की सेवा करूँ, ज़्यादातर कोशिश यही रहती है। लेकिन कभी कभार दो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, एक ढाई साल की, एक दो महीने का बच्चा है, तो उनके साथ में जब मुझे पहले भूख लगती है तो फिर पहले मैं कुछ, जब भी टाइम मिलता है कुछ खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, फिर नहा के उन बच्चों को नहला के फिर नहा के फिर आराम से ठाकुर जी से तसल्ली से बात करने आती हूँ कि अब बताइए और क्षमा कीजिए, फिर उनसे वार्ता होती है प्यार भरी, फिर ये सब जो है आप कीजिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाती होती, अगर मैं अपना नियम का जो बोझ जो है अपने सिर पे लाद लेती तो शायद मैं इतने लंबे आगे तक उस बोझ को नहीं ढो पाती और मैं वहीं गिरा देती बीच में ही, इतने आगे तक मैं ना आ पाती अगर मैं नियमों को ही पालन न करती। तो ऐसा नहीं है, मैंने नियम ऐसा कोई लिया नहीं कि ज़रूरी भी नहीं होते हैं ऐसे नियम कि नहाकर ही ठाकुर जी की सेवा करनी, वे आपके ठाकुर हैं। हाँ ये सब जो चीज़ें कि नहाकर जाओ मंदिर में या बिना कुछ खाइए, जो बाहर के जो मंदिर होते हैं, बड़े मंदिर हैं, वहाँ के लिए ये नियम होते हैं। आपके घर के ठाकुर जी तो आपके घर के सदस्य हैं, उनके साथ तो जैसे मर्जी करो, जैसे आपको लगे वे आपके हैं, क्योंकि वे आपके ठाकुर जी हैं, केवल आपका अधिकार है उन पर, तो अपना अधिकार के चलते हैं आप उनको जैसे मर्जी चाहे वैसे रख सकते हैं, वैसे उनसे प्यार कर सकते हैं, लाड़ कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी सेवा इस चक्कर में छूटती जा रही थी कि आप भूखे नहीं रह पा रहे थे, देर हो जाती थी, 12 बज जाते थे, 1 बज जाता था, 11 बज जाते थे, तो फिर भैया हमने तो छोड़ ही दी, अब तो हम हाथ जोड़ लेते हैं दूर से कि भाई ठाकुर जी क्षमा करो, ऐसा नहीं। इससे अच्छा है कि आप चाहे कितना भी आपको समय लग रहा है, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, लेकिन तसल्ली से जब भी आपको समय लगे भूखे नहीं रह पा रहे तो कुछ खा लो पहले, कोई जल्दी नहीं है, कोई वो बुला नहीं रहे कि नहीं भूखे पेट है मेरे पास आ, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ डाल लो अपने पेट में अगर आपको भूख लग रही है, और भी कुछ काम करने कर लो, बच्चों को भेजना स्कूल भेज दो, फिर जो है आराम से
आराम से जो अपने नहा धोकर ठाकुर जी के पास बैठो, फिर उनकी तसल्ली से सेवा करो। कुछ वो कुछ इतना बड़ा पाप थोड़ी ना घटित हो जाएगा कि अगर आपने कुछ पहले खा लिया तो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप करके देखो, बहुत बहुत प्रेम और करुणा भरे हैं हमारे ठाकुर जी, बहुत ज़्यादा। तो वो सिर्फ प्यार मांगते हैं, प्यार दो उनको और प्यार लो। तो ये उम्मीद है इस वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। आपके ठाकुर हैं, वो सिर्फ आपके हैं, जो आपके घर के ठाकुर हैं, आप उनको जैसा रखना चाहिए वैसा रखिए, जैसा लाड़ लड़ाना चाहते हैं वैसे लड़ाइए। और एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूँ कि आप जो भी करते हैं ठाकुर जी के साथ, मैं हर वीडियोज़ में जैसे बताती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, जैसे आप करना चाहें कर लो, लेकिन ये जो सब बातें हैं कि मैं तो ऐसे करती हूँ, ऐसे कर, मैं तो नहीं नहा के नहीं करती, मैं तो ऐसी ठाकुर जी की पूजा करने लग जाती, जो भी है मैं आपको कहती हूँ, जो अगर आप नियम नहीं निभा रहे हैं, ये बातें आपको किसी सदस्य को, बाहरी सदस्य को नहीं बतानी है, बाहरी मतलब कोई भी, क्योंकि चाहे घर का ही क्यों ना हो, क्योंकि वो इंसान समझ नहीं पाएगा आपके। अगर आप उसको बता दें बाहर के किसी सदस्य को कि मैं तो बिना नहलाए ठाकुर जी की सेवा कर लेती हूँ, तो वो आपको आपको वो कन्फ्यूजन में डाल सकता है। आपको बोलेगा वो ही तो आप बहुत गलत करती हो, आपको तो पाप लगेगा, ये सब तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, आप भटक जाएंगे। आपको ये बातें अपनी पर्सनल ठाकुर जी की किसी से बतानी नहीं है कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं तो ऐसे नहीं करती, मैं तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर ही जो ऐसा करते हैं आप करते रहिए, किसी को मत बताइए कि मैं तो ये भी कर देती हूँ, वो भी कर देती हूँ। किसी को बताने से आप भी भटक सकते हैं, वो भी भटक सकता है, क्योंकि वो नहीं समझ सकता, उसका नहीं पता वो कैसे सोच वाला है, कैसे आपको भी भटका सकता है, खुद भी भटक सकता है। तो दूसरों को ना ही बताएं इस बारे में, क्योंकि पर्सनल चीज़ें होती हैं, पर्सनल भाव की चीज़ें होती हैं। जैसे कर्मा बाई ने एक ब्राह्मण को बता करके गलती कर दी कि मैं बिना नहाए धोए खिचड़ी का भोग लगा देती हूँ, तो उसने गलती कर दी, वो कन्फ्यूजन में पड़ गई। तो किसी और को नहीं बताना है, बस जैसे अपने ठाकुर जी और अपन ठाकुर जी और आप, बस जैसा जो रिश्ता चल रहा है अपने बारे में, किसी को मत बताइए, छुपा के रखिए जो आप करते हैं, किसी को बताना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं ठाकुर जी की, जो मुझे लोग रेगुलर देखते हैं और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, बातें जो हैं, उपाय जो हैं वो अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर किया कीजिए। जो जो ठाकुर आपको लगता है आपके नोन में जो ठाकुर की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनको ये वीडियो भेजनी चाहिए, जिसको ज़रूरत आपको लगता है, आप शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। और जल्दी आऊँगी एक और नए टॉपिक के साथ, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।